से पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई होगी, लंबी ट्रेनिंग रही होगी, लंबा वक्त पायलट्स ने इन विमानों में गुजारा होगा राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना की जो ट्रेनिंग होती है, पायलटों की ट्रेनिंग जो होती है वो आला दर्जे की होती है। और ये जो लड़ाकू विमान है, एक लड़ाकू विमान रफाल आप देख सकते हैं, इसकी खूबियां, इसकी खासियत इतनी अलग है कि दूसरों से काफी ताकतवर आती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो रफाल है ये हमारे मुताबिक इसको कई सारे डिजाइन में इसमें बदलाव किए गए, मिसाइल लगाई गई है। सबसे पहली बात अगर करें तो बात होती है मेट्योर मिसाइल की, बात होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज पर जाकर मार कर सकता है 100 से 150 किलोमीटर तक। अगर आसमान में कोई दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको मार गिरा सकता है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी जो सबसे खतरनाक मिसाइल लगी हुई है, स्कल्प मिसाइल लगी हुई है, जो हवा से जमीन में मार कर सकता है। अगर कल की तारीख में फिर से जैश या ये लश्कर के कोई टेररिस्ट कैंप अटैक करना हो तो उसके लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान को पार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहीं से मार गिरा सकता है। 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, वो गिरा सकता है। इसके अलावा मिका है, इसके अलावा हैमर है, तो कई सारे मिसाइलों से लैस है, ताकतवर है, तो इससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप अगर देखें तो फिर से जो फ्लाई पास ये रफाल कर रहा है, और देखिए आसमान में कितना आसमान को छू रहा है, कैसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आसमान का सही मायने में सिकंदर है। और दुश्मन जो इसकी जो खौफ की बात करे और जो फ्लाई जिस तरह से करता है, लगता है कि उससे पहले टकराने से पहले कई बार सोचेगा। जब आपके पास रफाल जैसे लड़ाकू विमान होते हैं, जो चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चीन की बात करें, वो आपको टकराने से पहले कई बार सोचेगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब पुलवामा हमले के समय उसके बाद जब हुआ था तो हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उनके पास MiG-21 जैसे पुराने लड़ाकू विमान थे, लेकिन उसी लड़ाकू विमान से F-16 जो पाकिस्तान के पास था उसको मार गिराया था। तो ये भारतीय वायुसेना के जो पायलट है उनकी ट्रेनिंग और जाबाज जो है वो दिखाता है कि भाई जब पुराने लड़ाकू विमान से आप इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके पास अगर इस तरह के रफाल लड़ाकू विमान हो तो आप अंदाजा लगाए कि भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है।